प्रदेश सहित अजमेर में तेजी से बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में जहां इजाफा हुआ है, वहीं इस रोग से हुई मौतों के मामले को जिला प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। बीमारी की रोकथाम के साथ प्रभावित मरीज और उनके परिजनों को टेमीफ्लू दवा का वितरण किया जा रहा है। वहीं चिकित्सा विभाग ने रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन भी किया है। जिला कलेक्टर आरुषे मलिक ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार रोग की रोकथाम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। भय का पर्याय बने स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए जिला और चिकित्सा प्रशासन ने जिले में 80,602 लोगों की स्क्रीनिंग की है। डॉक्टर मलिक के मुताबिक रोग से प्रभावित लोगों को कैटेगरी के मुताबिक उपचार भी दिया जा रहा है। स्वाइन फ्लू का चूँकि जो एक वाइड स्प्रेड इंक्रीज होता ही जा रहा है और इस विषय में पूरा जो प्रयास चिकित्सा विभाग के द्वारा किया जा रहा है वह यह है कि तो हम हाउस टू हाउस स्क्रीनिंग हम टाइमली कर लें, साथ ही रैपिड रिस्पांस टीम्स का भी गठन किया गया है। और स्क्रीनिंग में हमारा यह उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI का व्यक्ति है उसको हम समय रहते उनको न सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाए परंतु उनको टेमीफ्लू और इत्यादि जो कैटेगराइजेशन हमारा स्वाइन फ्लू का है कैटेगरी A, B और C, उन तीनों कैटेगरी के पेशेंट्स को हम यदि कैटेगरी A में ही यदि व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको हम बचा पाएँ।